गुड मॉर्निंग टू ऑल। बस अपन रेडी हो गए अब और सामान सामान पैक कर रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गया, 1 घंटे का लेट हो गया। और बस ये थोड़ा बहुत सामान रह गया, मेरा रह गया बेसिकली, ये पावर बैंक वगैरह है, माइक है, जैकेट रह गई है, बाकी तो तकरीबन सारा बड़ा बड़ा सामान बाहर भेज ही दिया। और आप टेम्परेचर देखो, -8 है अभी दिखा रहा है यहाँ पे, और -9 गया था मॉर्निंग के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा गया था डाउन। और सामने का आज वेदर देख के तो ये लग रहा है कि साफ पड़ा हुआ है सारा, तो होपफुली आज ओपन हो यार। ओ भाई, आज तो जो ट्रकों का जाम है, देखो कहाँ तक खड़े हो ट्रक। तो भाई एक बुरी खबर, आज भी नहीं खुला है, और आप इतने ट्रक देखो, दोनों तरफ ट्रक के ट्रक खड़े हो रखे हैं। तो भाई आज भी यहाँ जाने नहीं दे रहे, देखो कितना रश हो रहा है आज भी। भाई देखो यहाँ पे कितना जाम हो रखा है, तो जाम देखो आप कहाँ तक पहुँच गया। तो भाई हम भी चले वापस, कोई उम्मीद तो लग नहीं रही है खुलने की, चलते हैं होटल में, चलते हैं वापस यार, क्योंकि यहाँ टाइम खराब करके जो कि ऑलरेडी 9:45 हो गए हैं। चूरा भर गया भाई ये तो। कोई उम्मीद नहीं, वहाँ मुड़ने का है, आया उड़ने का। तो सब लोग ना हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम वहां से रिटर्न आ रहे होंगे। देखो भाई जहां तक नजर जा रही है ना, जहां तक वहां तक गाड़ियां खड़ी है। देखो अब तो ट्रकों के बगल में भी लग गई, तो मेरे ये नहीं था। तो एक चीज देखो, ये जाम ना जिस पा तक पहुंच गया मेरे हिसाब से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने अपने होटल को कर दिया बाय बाय, और आज तो बहुत जल्दी निकल गया, 6:20 पे निकल गया यहाँ से। और उम्मीद करते हैं कि आज हमें आगे जाने देंगे, क्योंकि अब तो मुझे लग ही रहा है कि यार सब कुछ साफ़ हो ही गया होगा, मौसम भी साफ़ हो गया है, और 2 दिन ऑलरेडी हो गया, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी हो ही गया होगा कम्प्लीट। तो बस यार आज जाने दो, 2 दिन से यहाँ बैठ के ना, पहला दिन तो फिर भी ठीक था, पर कल का जो दिन था ना वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बोरियत भरा दिन था, क्योंकि एक्चुअली क्या करने को कुछ नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं बस कि खुल जाए, तो आज तो बस खुल ही जाए यार। अदरवाइज अगर सब कुछ सही रहता ना तो हम लोग ना आज ले में होते ना। सही बात, ले में तो ले से भी वापस आ रहे होते ना। हाँ, कारगिल कुरगिल निकल के होते श्रीनगर के लिए, लेकिन हमारे 2 दिन खराब हो गए। तो भाई जाम तो यहीं से दिख रहा है गाड़ियों का, देख के तो कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे, या तो अभी टाइम नहीं हुआ है या फिर जान नहीं दे रहे, तो ही चीज़ें हो सकती है। हम भी वहाँ लगते हैं लाइन में यार, अभी फिलहाल कम ही है, 2 दिन से लाइन में लग रहा है, 3रा दिन है हमारा। चलो फाइनली हम लोगों को यहाँ से छोड़ दिया है, और अभी सिर्फ जो शिंकुला जंस्कार और पदुमाला रूट है उसको ओपन कर दिया है, तो और बारहला चला रूट अभी तक ओपन नहीं किया है ले वाला, तो आप ले नहीं जा सकते हो, सिर्फ आप लोग पदुम तक जा सकते हो अभी फिलहाल। और चूंकि 12 लच्चा के लिए टीम गई हुई है बीआरओ की, तो 3-4 घंटे में अपडेट आएगी, पदुम से वैसे जा सकते हैं हम, उसके बाद पता चलेगा कि भाई 12 लच्चा जा सकते हैं नहीं जा सकते। 12 लच्चा तो नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और अभी जब मैं बात कर रहा था सर बता रहे थे कि भाई 24 घंटे वहां रुकने से बेटर है 3 घंटे यहाँ रुक के वेट कर लो, अपडेट आ जाएगी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सभी लेह लद्दाख वाले हैं, तो इसलिए वो कह रहे जो जिसने जंस्कार जाना है वो यहाँ से निकलो, भीड़ मत लगाओ। तो अपन तो भाई निकल गए हैं, हम यहाँ से पदुम जाएंगे, अगर जंस्कार नहीं पदुम से ले का देखेंगे, फिलहाल अभी निकल गए यहाँ, खड़ने से बेटर है निकल जाओ। तो आज हम लोग शिंकुला पास टच कर जाएंगे, तो वही खुशी है बहुत ज्यादा। और ये देखो यार यहाँ ऊपर से व्यू, ट्रक कहाँ तक, जहाँ तक आप जहाँ तक नजर जा रही है ना बस वहां से ट्रक खड़े हैं, उसके बाद तो वहां को मोड़ आ गया। तो भाई ये था यहाँ का चेक पोस्ट। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारी गाड़ी का नंबर लिख लिया है और कितने लोग हैं गाड़ी में वो लिख लिया है, और हमें साफ साफ बोल दिया है कि वापस मत आना, वहीं से निकल जाना सीधा। तो ये रहा पदुम 143 एंड शिंकुला 39 सॉरी, क्योंकि ना सारी गाड़ियां जो है ना वो 12 लच्चा वाली है। अरे वो जितने भी टूरिस्ट व्हीकल होंगे ना वो सब 12 लच्चा ही वाला हो, टूरिस्टों को घुमाने 12 लच्चा ही ले जा रहे हैं ना। हाँ, तो बस वो उसी की वेट कर रहे हैं कब खुलेगा। भाई भाई की हिम्मत देखो, साइकिल पे जा रहा है बंदा, और ये मुझे तो आगे कहीं जा रहा है, ये यहाँ का लोकल नहीं लग रहा। पर भाई रोड तो अभी तक तो फिलहाल हमें रोड ना एकदम सही मिल रही है, जो
थोड़ी बहुत रोड जो खराब है ना, वो जब शिंकुला से 10-12 किलोमीटर जो पहले है ना, जो वो स्ट्रेच है, पहले है कि बाद में पता नहीं। अच्छा जो मतलब यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं ना, तो जो जब अभी क्या है 27 किलोमीटर है ना, जो जो 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है शिंकुला टॉप का, वो थोड़ा खराब है। फाइनली 2 दिन के वेट के बाद निकाल चलो दी गए हम। 2 दिन यहाँ पे रुकना वैसे तो लग रहा था, पर चलो आज अब जाने दिया ठान आने लग गए हैं। थोड़ी थोड़ी तो मिलेगी यार, हाँ अब जहां जहां बर्फ पड़ी होगी ना, देखो यहाँ पे थोड़ी अब रोड खराब है, थोड़ी क्या है ही नहीं रोड। तो ऐसे ऐसे मौके आपको मिलते रहेंगे जहां पे आपको गाड़ी चलाने का एक अद्भुत मजा आएगा, ये सब बर्फ पिघल के आ रही है ऊपर से। उसपे पासेस, 4 पासेस बताए थे ना मैंने बारलाचे वाले पे, उसमें हाँ 4 पासेस भी हैं। और पीछे जो दोनों टैक्सी है थोड़ी यहाँ पे चढ़ाई जा रही थी, तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो है दोनों नेटवर्क नहीं चल रहे हैं, शिंकुला कह रहा एयरटेल और जियो दोनों के टावर बंद हो गए हैं। ये देखो हमें, ये हमारा मैप कहाँ लेके जा रहा है, पहाड़ में चढ़ा रहा है हमें। तो आई थिंक जंस्कार भी कुछ कंफर्म नहीं है, पर पदुम में मिलेंगे जो नेटवर्क मिलेंगे। आ जाओ भाई लोग बर्फ में खेलने। आ रही है पीछे 2 गाड़ियां भागकर। चलो भाई, 150 किलोमीटर छोटी छोटी तो आ गई दीवारें बर्फ की, अब 5-5 फुट की तो हो गई है, तो हल्की हल्की झलक दिखने लग गई है कि लेकिन रोड अभी डबल साइड है। अभी सिंगल सिंगल लेन नहीं हुई है, आगे जाके होगी सिंगल लेन फिर। हाँ तो 14 किलोमीटर रह गया बस अब शिंकुला। तो चलो भाई, जैसा मैंने बताया था 12 किलोमीटर, पूरे 12 किलोमीटर में शुरू हुआ भाई। ये देखो भाई यहाँ पे आइस जमी हुई, ब्लैक आइस, पानी, दोनों चीज आ रही साथ में, और रोड देखो कितनी सी है। ओ भाई, जितने गाड़ी के टायर है ना, सिर्फ उतनी ही रोड छोड़ रखी है या फिर बनाई है। ये देखो ये ना सिंगल, हमारी गाड़ी की हाइट जितनी यहाँ पे स्नो हो रखी है। भाई थोड़ी सी ब्लैक आइस है यहाँ, देखो कैसे हो रखा। ये भी जा रखा है ना, आगे दिख तो रहा है उसके टायरों के निशान। एक ही गया हुआ थार वाला, इधर तो ओनली वन वे रह गया, एक एक रोड पे तो पूरी बर्फ ही बर्फ आ रखी है। ए देख की रात गड्ढे में, ओए होए होए, तो शुरू हुई रे कच्ची वाली। कच्ची वाली और पानी साथ में। अब आ चुका है थोड़ा थोड़ा काफी गंदा वाला स्ट्रेच। फोर ही लगाना फोर बाय फोर में, हाँ चूंकि ब्लैक आइस हो रखी है। ओ तेरी, चढ़ाई अलग से है और पानी विद ब्लैक आइस। चल चल खींच 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 खींच। देखो यार रोड पे ना पत्थर भी बहुत आ रखे हैं, इधर 2 पत्थरों के बीच से निकले निकले निकले। उधर को निकालने पड़ेगी पत्थर अभी। ओ आगे हट जाएगी पत्थर, हटाऊ इधर साइड छोटा। ओ यहां से ये डालना, नहीं 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 तो बोला था। ये अभी आया क्या? भाई नीचे लगता है चेसी लगी है। ये देखो हटाओ। गाड़ी साइड भाई, अभी मैंने उतर के ना पत्थर साइड किया, सारा हाथ ऐसे हो गया, इतना भारी पत्थर था कि मेरी हालत खराब हो गई। उठाते उठाते सांस ही फूल गई, और नीचे गाड़ी तो लगी गई है। आगे देखो
मैंने आपको पहले ही बोला था मैं पहले हटा देता हूँ। आपने टायर चलाना था ऐसे उसके ऊपर? टायर पे फिर ये ले जाता है उसका साइड में। पर बहुत ज्यादा भारी था यार, मैंने एक तरफ से उठाया था, दूसरी तरफ से नहीं उठ रहा था वो। अब वो टैक्सी वाला करेगा तो भाई ये देखो रोड तो बहुत साफ सुथरी पड़ी हुई है और बर्फ भी अपना अलग ही मजा दे रही है इस रोड पे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाल फिलहाल में ही ये रोड बनी है। ओ, पहली स्किट बची। स्लो मोड लगा है? अच्छा तभी तो भाई अभी जो गाड़ी है ना ऐसे बन गई, सांप बन गई गाड़ी, जिग जैग। हमें 4x4 लगाने की जरूरत ही नहीं। ओ भाई यहाँ पे एकदम तो लग रहा है फ्रेश स्नो पड़ रखी है यहाँ पे। भाई मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लग गई है ठंड के कारण, और अपने शीशे में देखो कितनी भाप जम गई है, क्योंकि अंदर और का टेम्परेचर कम बाहर ठंडा है, और इस जगह का तो अलग ही नजारा है। देखो भाई गाड़ी की छत तक जाने लगी है बर्फ की दोनों तरफ की जो दीवारें हैं, और यहाँ पे तो पीछे से भी गाड़ी आ रही है, एक फोटो भी नहीं ले सकते। और शिंकुला टॉप पहुंचने में रह गए सिर्फ 2.5 किलोमीटर और रह गए, और जहां तक जा रही नजर वहां सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। और ले भाई मैप ने जवाब दे दिया यहाँ तो। एक आधा तोड़ना अपने हाथ से ठंडा हो जाएगा। हाँ रहने दो यहाँ पे, तो जहां जहां पे मोड़ है ना वहां वहां पे क्या है ब्लैक आइस ज्यादा हो रखी है, क्योंकि पानी वहां ज्यादा हो रखा कट्टा, जैसे यहाँ पे देखो एकदम क्लीन पड़ा हुआ है, पर जहां पे मोड़ है ना वहां पे ज्यादा हो रखा है। ओ भाई ये तो हमारी गाड़ी से भी ऊपर पहुंच गया, ये 10-12 फुट होगी। ओ भाई ऐसा नजारा मैंने वीडियो में देखा था, आज अपन खुद ही देखने पहुंच गए यहाँ पे। देखो जो एंड वाला है ना शिंगुला टॉप का, जो आखिरी के 2-3 2.5 किलोमीटर है वो ये है, नीचे पूरा साफ पड़ा था एकदम, बस एंड में थोड़ा ये वाला हाल हो रखा है। ओ ओ यहाँ क्या गड्ढे थे भाई, मेरे फोन और मैं पूरा हिल गया यहाँ पे भाई साहब। ये नजारे जो है ना भाई, भाई साहब दो दिन वेट करा इसका, वर्थ इट है। सही बात है भाई, सही बात कह रहे हो आप भाई। ये देखो दीवारें बगल में, ये 12-13 फुट से भी ऊपर पहुंच गई है, और बीआरओ ने क्या कैसे काम किया भाई, जबरदस्त यार। सबसे पहले तो ना रोड कैसे ढूंढी होगी। हाँ तो अगर आप देख रहे हो कहीं पे तो बहुत, यहाँ पे सामने से गाड़ी आ गई ना अगर, तो भाई पॉसिबल नहीं है क्रॉस करना कहीं, जैसे पीछे कोई जगह बैक करनी पड़ेगी। यही एक रीजन है कि वो लोग वन वे ट्रैफिक छोड़ रहे हैं, और सही भी है यार, अगर आप फंस गए तो आप नहीं निकल ही नहीं पाओगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी हमें फर्स्ट टाइम देख रहा तो प्लीज़ यार ये वीडियो देख के हमें सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। देखो क्या नज़ारा दिया आपको, ओ राशिंगुला टॉप ये रहा भाई। चलो पहुँच गए कहीं, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और उतरते हैं थोड़ा सा अगर जगह हुई तो। अभी तो हमें पिछली गाड़ी को भी यार पास देनी है। शिंकुला टॉप में आपका स्वागत है। तो भैया फाइनली हम लोग शिंकुला टॉप पहुंच गए हैं, जिसका हम पिछले 2 महीने से यार इतना वेट कर रहे हैं, इतना वेट कर रहे हैं यहाँ पे ना कि क्या पूछे। तो ये देखो ये थार गई थी हमसे पहले एक, चलो भाई वो लिखा हुआ।
और भाई यहाँ पे 10 मिनट रुकना अपने को, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो भाई ये है इसका नज़ारा, शिंकुला टॉप 16,580 फिट पे है ये, और ये सारी बर्फ में ढका हुआ है। और एक बार इसका नज़ारा देखो इस पूरी वैली का, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बर्फ ना गिरी हो। तो ये गाड़ी को बैक करके ना इस तरफ को लगा रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी की फोटो आ जाए इसके साथ। तो देखो अभी कैसा साउंड आएगा जब बर्फ, ये देखो ये है स्नो मोड। ओ पत्थर है, पत्थर है, आगे करो, नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा। ओ मारा, ओ मारा। ओ भाई, तो सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे बिताएंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि किसी भी पासेस में ना 10 से 15 मिनट ही लगाने चाहिए आपको, ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तो हम भी बस 10 मिनट यहाँ पे लगाएंगे, अपनी एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। हम लोग कहीं उधर से आए हैं, वहाँ से भी गाड़ियाँ भी आ रही थी और फिर इधर को आए हैं। आप इधर को निकलेंगे जंस्कार और फिर पदम के लिए। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, चलो गाड़ी को निकालते हैं बर्फ से बाहर। और ये चढ़ी गाड़ी, तो चलो भाई गाड़ी में बैठता हूँ मैं भी। चलो भाई शिंकुला को बाय बाय करते हैं, बाय बाय शिंकुला, फिर मिलेंगे। चलो भाई निकल रहे हैं यहाँ से अब जंस्कार के लिए, अगले साल आएंगे, अब अगले साल आएंगे सीधा। चलो भाई।